इधर एसडीएम ज्योति मोरिया के बेवफाई का चर्चा खत्म भी नहीं हुआ कि अब रेशमा ने अपने पति के साथ बेवफाई कर दी। दोस्तों यही वो रेशमा है जो कि ज्योति मोरिया के बाद अब अपने पति रविंद्र के साथ गद्दारी कर दी। आप सबों को पता होगा दोस्तों किस तरीके से ज्योति मोरिया एसडीएम बनने के बाद अपने ही पति आलोक मोरिया के साथ बेवफाई कर दी और कमांडेंट मनीष दुबे के साथ चक्कर चलाना शुरू कर दी। इस बात का पर्दाफाश तो हर जगह हो चुका है, लेकिन सबसे अहम सवाल ये आता है दोस्तों, जिस तरीके से कांस्टेबल रेशमा जो कि पुलिस बनने के बाद अपने ही पति के साथ दगाबाजी कर दी, तो इस रेशमा का चक्कर किसके साथ चल रहा है। हालांकि मैंने पहले ही दोस्तों इस कहानी पर वीडियो बनाया था, मैंने आप लोगों को बताया था पूरा का पूरा कहानी क्या था, लेकिन दोस्तों उस वक्त मैंने इस बात का पर्दाफाश नहीं करा था कि रेशमा का चक्कर किसके साथ चल रहा है। जिस तरीके से ज्योति मोरिया के आशिक के बारे में तो सबको पता लग चुका है, पूरा इंडिया जानता है, अब दोस्तों रेशमा का आशिक कौन है उसके बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में अच्छे से जानते हैं। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी भाइयों को, सभी दोस्तों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल दोस्तों, और इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों और सभी बहनों को दिल से सलाम। चलो दोस्तों आज के इस वीडियो में एक एक करके तमाम राजों का पर्दाफाश करते हैं। तो आपको पता होगा दोस्तों ज्योति मोरिया और आलोक मोरिया की कहानी के बारे में कि आलोक मोरिया जो कि आज के समय में रो रहे हैं, लेकिन ज्योति मोरिया को घंटा फर्क नहीं पड़ता। आपको बता दूं ज्योति मोरिया जो कि मनीष दुबे के साथ चक्कर चला रही है, तो मनीष दुबे के साथ क्यों चक्कर चला रही है उस बात पर भी चर्चा करेंगे, और रेशमा अपने पति को क्यों छोड़ना चाहती है उस बात पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों, रेशमा और रविंद्र की कहानी की शुरुआत होती है प्रयागराज से 50 किलोमीटर दूर एक जगह पड़ता है मेजा। तो मेजा के बगल में दोस्तों एक गाँव पड़ता है जरार। तो ये सच्ची घटना है दोस्तों जरार गाँव की। बताया जाता है रेशमा और रविंद्र की शादी साल 2016 में होती है। जिस वक्त इन दोनों की शादी होती है उस वक्त रविंद्र का आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब था। आपको बता दूं रविंद्र का आर्थिक स्थिति इतना ज़्यादा खराब था दोस्तों कि अगर ये सुबह खाता तो शाम क्या खाएगा उसके बारे में भी सोचना पड़ता था। लेकिन बताया जाता है रेशमा अपने पति से कहती है मुझे पढ़ाई करना है, इसीलिए दोस्तों रविंद्र भी उसे जवाब में कहता है तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हें पढ़ाने के लिए मुझे ज़मीन भी बेचना पड़ेगा तो कोई बात नहीं मैं बेच दूंगा। और आपको बता दूं रविंद्र ने कई दफ़ा अपने पत्नी को पढ़ाने के लिए ज़मीन तक बेच दिया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, बात है साल 2018 की, जब बताया जाता है रेशमा यूपी पुलिस में कांस्टेबल के पद पर नौकरी करना शुरू कर देती है। आपको बता दूं दोस्तों जैसे ही इसको नौकरी होता है उसके बाद से ही रेशमा का रवैया पूरी तरीके से बदल जाता है। आपको बता दूं पिछले 5 वर्षों से रेशमा अपने पति के साथ दगाबाजी कर रही है, और आपको बता दूं रेशमा के बारे में ये कहा जाता है कि ये जितना भी रुपया कमाती है सारा का सारा रुपया अपने जीजाजी को दे देती है, अपने मायके में भेज देती है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये आता है दोस्तों कि रेशमा का चक्कर किसके साथ चल रहा है, आप लोग भी यही जानना चाहते होंगे। तो आपको बता दूं दोस्तों रेशमा के बारे में बताया जाता है जब से ये जॉब कर रही है, फिलहाल आज के समय में बताया जाता है ये गाजीपुर में पोस्टेड है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये आता है दोस्तों कि जहाँ पर ये पोस्टेड है क्या वहीं पर इसका चक्कर चल रहा है, जहाँ पर ये रह रही है जिस थाने में रह रही है क्या वहीं का कोई पुलिस वाला है जिसके साथ की रेशमा का चक्कर चल रहा है, तो वो भी आगे हम चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन सबसे पहले आप में से बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि मनीष दुबे और ज्योति मोरिया को लेकर क्या खबर आया है। आपको बता दो दोस्तों मनीष दुबे इस वक्त ज्योति मोरिया के बारे में कोई भी राज उगलना नहीं चाहता है, मनीष दुबे नहीं चाहता है कि वो बुरा फंस जाए। आपको बता दूं बार बार मीडिया कर्मी इससे सवाल पूछने का कोशिश तो करता है, लेकिन हर बार ये मीडिया कर्मियों को पूरी तरह से गुमराह कर देता है। ये बताया जाता है दोस्तों कि मनीष दुबे अपने आप को पूरी तरह से बचाना चाहता है। लेकिन अब तक दोस्तों मैंने आप लोगों के सामने इस बात का चर्चा नहीं करा कि ज्योति मोरिया ने मनीष दुबे को आखिरकार क्यों अपना ली, क्या वजह है कि वो अपने पति को छोड़ दी और मनीष दुबे के साथ चक्कर चलाना शुरू कर दी, और क्या वजह है कि रेशमा अपने पति को छोड़ना चाहती है और किसी और के साथ चक्कर चला रही है। तो सीधी सीधी बात यह है दोस्तों कि जब भी इन महिलाओं को जॉब होता है, अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि सभी महिलाओं के साथ ऐसा होता है, लेकिन कुछ ऐसी गिनी चुनी महिलाएं हैं अगर उसे जॉब हो जाता है उसे लगता है कि हम अपने पति से आगे निकल चुके हैं, तो उन महिलाओं के मन में यह आता है कि क्यों ना एक ऐसा बंदा ढूंढा जाए जो कि ऑलरेडी नौकरी वाला हो, जिसके पास कि ज़्यादा रुपया पैसा हो। तो आपको बता दूं मनीष दुबे जो कि ज़्यादा कमा रहा है और ज्योति मोरिया भी ज़्यादा कमा रही है, वहीं अगर बात करा जाए आलोक मोरिया का तो ये एक मामूली सा सफाई कर्मी है, तो आलोक मोरिया का जो वेतन है वो ज्योति मोरिया से बहुत ज़्यादा कम है। इसीलिए दोस्तों बहुत सारे लोगों का ये भी कहना होता है कि ज्योति मोरिया जो कि पैसों के लिए ही मनीष दुबे के साथ चक्कर चलाना शुरू कर दी। अब सबसे अहम सवाल ये आता है दोस्तों कि ये जो रविंद्र कुमार है इसके बारे में बताया जाता है ये एक मामूली सा प्राइवेट जॉब करने वाला आदमी है, और ये भी बताया जाता है कि फिलहाल रविंद्र का आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है,
इसीलिए दोस्तों इसकी पत्नी रेशमा जो कि इसके साथ नहीं रहना चाहती है। हाल ही में दोस्तों रविंद्र के घर पर बहुत सारे मीडियाकर्मी भी पहुंचे थे। मीडियाकर्मियों ने रविंद्र से सवाल किया कि क्या आपकी पत्नी वापस लौटना चाहती है, तो रविंद्र ने कहा कि मुझे भी नहीं मालूम है। तो बाद में दोस्तों बहुत सारे मीडियाकर्मी इसके पास भी पहुंचे, यानी कि रेशमा के पास भी पहुंचे, और रेशमा से जब सवाल करा गया कि क्या आप अपने पति के साथ रहना चाहती हो, तो रेशमा का जवाब ये था कि जिस तरीके से मेरे पति ने मुझे बदनाम कर दिया, क्या मेरे मान सम्मान को वो वापस लौटा सकता है। दरअसल आपको बता दूं दोस्तों, जब से रेशमा और रविंद्र के कहानी का चर्चा होना शुरू हुआ, तब से बहुत सारे मीडियाकर्मी रविंद्र के घर पर भी जा रहे हैं, तो दूसरे तरफ बहुत सारे मीडियाकर्मी रेशमा के घर पर भी जा रहे हैं। अब रेशमा और रेशमा के घर वालों का ये कहना है कि जिस तरीके से रेशमा की इज्जत को उछाला गया, उसके पति रविंद्र ने जिस तरीके से ऑन कैमरा रेशमा के बारे में बहुत भला बुरा कहा, क्या उस सम्मान को वो लौटा सकता है। रेशमा का ये कहना है कि अगर मेरा पति मेरा इज्जत लौटा देगा, अगर मेरे मान सम्मान को लौटा देगा, तो मैं अपने पति के पास वापस लौट जाऊंगी, अगर वो नहीं लौटा सकता तो मैं अपने पति के साथ कभी नहीं रह सकती। तो फिलहाल आपको बता दूं दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है, इस रेशमा को कम से कम इस बात का शर्म आना चाहिए कि उसके पति ने उसके बुरे समय में मदद किया। आपको बता दूं, ये जल्लाद रेशमा जिस वक्त ये पढ़ाई कर रही थी दोस्तों, उस वक्त इसका आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब था। इसके परिवार वाले इसका मदद ही नहीं कर पाते क्योंकि उन लोगों का ऑलरेडी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब था। और आपको बता दूं, इसके पति ने अपना जमीन तक बेच दिया, लेकिन इस दुष्ट महिला को जरा सा भी शर्म नहीं आया दोस्तों, और ये अपने ही पति को अब तलाक देने को तैयार है। ये बताया जा रहा है दोस्तों कि रेशमा का चक्कर किसी के साथ तो जरूर चल रहा है। सबसे अहम सवाल ये आता है दोस्तों कि रेशमा के रिश्ते को तोड़ने में उसका जीजाजी इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों ले रहा है, उसके जीजाजी को इतना ज़्यादा रेशमा में क्यों इंटरेस्ट है, आखिर क्या वजह है कि उसका जीजाजी जो कि बार बार रेशमा को भड़काता है, बार बार उसके पति के विरुद्ध उसे कर दे रहा है। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट में कहने का जो मतलब था दोस्तों, ये था कि रेशमा का चक्कर कहीं ना कहीं उसके जीजाजी के साथ ही चल रहा है, इसी वजह से दोस्तों ये बार बार जो कि रविंद्र के साथ जो है दगाबाजी कर रही है। हालांकि दोस्तों सूत्रों के हवाले से बताया जाता है कि रेशमा को जो भी काम करवाना होता है वो अपने जीजू को ही कॉल करती है। अब आप सोच सकते हो दोस्तों, ये कितना ज़्यादा कैरेक्टरलेस महिला है। नौकरी होने के बाद पहले तो बदल गई, अब बदलने के बाद दोस्तों ये चक्कर भी चला रही है। हालांकि केवल इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि बताया जा रहा है कि इसका जीजाजी ही आगे इसके लिए लड़का भी ढूंढ रहा है। ये बताया जा रहा है कि इसका जीजाजी जो कि फिलहाल इसका जितना भी वेतन आता है, उन वेतनों में से कुछ ना कुछ रुपया इसका जीजा भी रखता है, और कुछ रुपया ये लड़की जो कि अपने घर वालों को दे देती है, अपने मायके वालों को दे देती है। तो फिलहाल दोस्तों बताया जाता है रविंद्र जो कि बहुत ज़्यादा परेशान है, और रविंद्र का ये कहना है कि मेरी पत्नी ने जिस तरह से मेरे साथ की वो बिल्कुल भी सही नहीं की। अब दोस्तों वहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आलोक मौर्या को लेकर के भी कहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आलोक मौर्या ने ठीक है ज्योति मौर्या को पढ़ाया लिखाया, रुपया पैसा दिया, तो अब ज्योति मौर्या से आलोक मौर्या अपना रुपया वापस ले ले, बात खत्म। लेकिन मेरे भाई देखो, किसी भी मदद को आप रुपया से नहीं तोल सकते हो। यदि किसी ने किसी के ऊपर एहसान किया, उस एहसान को आप कभी भी रुपयों से नहीं तोल सकते हो, उस एहसान को आप कभी भी रुपया देकर ख़त्म नहीं कर सकते। अब दोस्तों जिस तरीके से हमारे माता पिता हमारा पालन पोषण करते हैं, हम अपने माता पिता से अगर बोले कि तुमको हमारा पालन पोषण में कितना खर्चा हुआ, तुम उतना रुपया ले लो, हमारा जान छोड़ दो, तो क्या ये चीज़ सही है? क्या आपको लगता है कि आप रुपया देकर अपने माता पिता के पालन पोषण का जो कर्ज है उसको अदा कर दोगे? ऐसा तो कभी नहीं है। तो क्या आपको लगता है दोस्तों कि रुपया देकर आप अपने माता पिता के एहसान को ख़त्म कर दोगे? ऐसा कभी हो पाना मुमकिन है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक उसी तरीके से दोस्तों आपको बता दूं, जिस तरीके से रेशमा जिस वक्त पढ़ाई कर रही थी, उस वक्त इसके पति रविंद्र ने इसका बहुत ज़्यादा सहयोग किया, क्या उस सहयोग को रुपया दे करके भी ख़त्म किया जा सकता है? जिस तरीके से आलोक मौर्या ने अपने पत्नी का मदद किया, अगर ज्योति मौर्या बदले में से रुपया दे दे तो क्या उस एहसान को वो चुका देगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने बताया कि ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है दोस्तों कि रेशमा का चक्कर जो कि इसके जीजाजी के साथ ही चल रहा है। फिलहाल दोस्तों इस मामले में बताया जाता है एक टीम का गठन करा गया है और इसके खिलाफ गाजीपुर थाने में ही शिकायत दर्ज करवाया गया है। तो देखते हैं आगे दोस्तों छानबीन करने के बाद क्या क्या जानकारियां निकल कर सामने आती है। फिलहाल बताया जा रहा है इस मामले का इन्वेस्टिगेशन करा जाएगा, एक टीम का गठन करा गया है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये आता है दोस्तों कि जिस तरीके से महिलाओं को नौकरी होने के बाद वो अपने पतियों को छोड़ रही है, क्या ये चीज़ सही है? क्या इससे समाज में एक अच्छा संदेश जाता है? बिल्कुल भी नहीं। आपको बता दूं दोस्तों, ऐसे बहुत सारे पति हैं जो कि डर के मारे अपने पत्नियों को पढ़ाना बंद करवा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर ये देखा जा रहा है दोस्तों कि बहुत सारे पति जो कि अपनी पत्नियों का नाम कटवा रहे हैं। बहुत सारे पतियों का ये कहना है कि क्या पता मेरी पत्नी भी ज्योति मौर्या और रेशमा जैसी ना निकल जाए। तो लोगों को अपने पत्नी के बेवफाई का डर सता रहा है। हालांकि देखो दोस्तों, दुनिया में हर कोई एक ही जैसा नहीं होता, हर कोई अलग अलग होता है। और यदि कोई महिला गद्दार है,
चाहे आप उसे घर में रखो कहीं रखो वो गद्दारी कर ही देगी, लेकिन जो वफादार है उसको आप कहीं भी भेज दो, परदेश भी भेज दो, वो कभी आपके साथ गद्दारी नहीं कर सकती। तो बहुत सारी महिलाएं जो कि छल कपट करती है, लेकिन बहुत सारी महिलाएं जो कि बहुत ज़्यादा ईमानदार भी होती है। तो दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में, इसलिए ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। और मुझे कहीं ना कहीं उन लोगों से ये बात अवश्य कहना है जो लोग कि अपने पत्नियों के बारे में गलत सोचते हैं, तो देखो भाई गलत सोचने की आवश्यकता नहीं है। हमारा संदेश, और आलोक भाई ने भी कुछ समय पहले एक संदेश दिया था कि जो भी अपने बीवियों को पढ़ा रहे हैं वो अपने बीवियों को पढ़ाएं, बिल्कुल भी अपने बीवी के ऊपर शक ना करें। और ऐसी ऐसी घटिया महिलाएं जो कि दुनिया में आती ही रहती है, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कि बहुत ज़्यादा घटिया है। तो ज़्यादा कुछ क्या ही कहना दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने बताया कि रेशमा का चक्कर किसके साथ चलने का शक जताया जा रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और देखते हैं आगे दोस्तों और क्या क्या जानकारियां निकल कर सामने आती है। मैं सारा का सारा सच तो आप लोगों के सामने हमेशा उगलता ही रहता हूं, जो भी सच आता है सारे सच्चाइयों को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, एक बार फिर से कहूंगा वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस तरह के और भी बेवाक खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहना, जुड़े रहना। जय हिंद।